नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कैसे हटेगी जहरीली इमरजेंसी। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जर्जर होने का, धूल धक्कड़ इतना ज्यादा उड़ रहे हैं उसके वजह से जहरीला पदार्थ टाइप का, जैसे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है। जहरीली इमरजेंसी कहें या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सबको मिलाकर के इसे गैस चैम्बर कहें, दोनों ही बात एक ही है। हम लोग गैस के चैम्बर में रह रहे हैं और कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। इस सीमा से कई कई गुना, तीन गुना, चार गुना ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर बढ़ चुका है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रमुख सचिवों को, मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब किया है और बुधवार तक उन्हें उपस्थित होने का आदेश दे दिया है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं और यहां तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद किए जा रहे हैं। लेकिन इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, सबसे बड़ा सवाल यही है। ये कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है। जिस तरह से बाढ़ हर साल आती है, उसी तरीके से प्रदूषण रूपी ये जो कुंभकरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं देता, क्यों पहले से तैयारी नहीं की जाती है। पराली हर साल जलाई जाती है, पराली रोकने के लिए पिछले 3-4 साल से लगातार बात की जा रही है, आखिर इस पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी। कूड़ा जलाने की बात करें या प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों की बात करें, लगातार वो प्रदूषण फैलाने में अपना अहम किरदार निभा रही है, इन पर रोक क्यों नहीं लगती है। क्या ऑड इवन का फार्मूला लाने से और ये त्वरित फार्मूला लाने से क्या ये परमानेंट इसका समाधान कोई मिलेगा या कोई इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आखिर वो सोल्यूशन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। पहले इसकी गंभीरता को समझते हैं, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिना मास्क के हम लोगों को सांस लेना बड़ा दिक्कत कर रहा है। सरकार से भी आग्रह है पॉल्यूशन को समाप्त करने की कृपा करें। प्रदूषण का प्रकोप सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, दिल्ली और एनसीआर तो पहले ही इसका दंश झेल रहे हैं। हाल ये है कि पड़ोसी राज्यों की हवा भी हानिकारक हो चुकी है। अब सांस लेने का मतलब है सांसों को संकट में डालना। ऐसे में संकट को देखते हुए सरकारों की सांस भी हलक को आ रही है। प्रदूषण कम होने की बजाय अपना पर फैलाता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इस बीच जहां दिल्ली में ऑड इवन लागू हो गया, तो यूपी में भी सरकार इस पर विचार कर रही है। यूपी सरकार के वन व पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश में भी ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से भी एक सोच हमारी उधर की मिट्टी में कि ऑड इवन को अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी गाड़ियां अपने आप उससे रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को डर होगा कि अगर ट्रैफिक पुलिस के लोग अगर उनको फाइन करेंगे, क्योंकि जिस दिन में ऑड और दूसरे जिस दिन इवन का मामला होगा उस दिन वो गाड़ियां अपने आप घर पर रुक जाएंगी और वो निश्चित रूप से एक गाड़ी के साथ कई लोग जा करके अपने जरूरी काम को कर सकते हैं, हमारे शहर के बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑड इवन के प्रयास से भी हम इस प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। कर रहे हैं सर ऑड इवन को, अभी चर्चा कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं? नहीं, इस पर निर्देश दे दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस को, डीजीपी को, कि पूरी तरीके से ऑड इवन को लागू करिए। अब मैं इसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बता सकते हैं इसको कब से लागू कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ऑड इवन को लागू करने से भी हम पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसको रिड्यूस कर सकते। यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों के साथ मुख्यमंत्री ने आकस्मिक बैठक की, इसमें प्रदूषण को लेकर गंभीर चर्चा हुई। इस बीच मंत्री दारा सिंह ने प्रदूषण के पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया।
से जो कृषि विभाग के द्वारा जो समिति बनाई गई हर जनपद स्तर में कि पूरी तरीके से पराली जलाने पर पूरी रोक लगाई जाए, और यही कारण आप देख रहे हैं कि हरियाणा जो आज NCR में जो मामला डेंजरस खतरनाक स्थिति में पहुंचा है, उसका कारण जो है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से वहाँ मनमानी तरीके से पराली जलाने का काम हुआ, जिसके नाते आज पूरा NCR में बड़ा मामला गंभीर हो गया है प्रदूषण का। और आप देखें कि ताजमहल को लेकर के लखनऊ में भी जो मतलब उत्तर और पश्चिम की हवा बहने के नाते जो हरियाणा पंजाब के इसे पराली जलाने के नाते आज उसका प्रभाव लखनऊ पर भी पड़ रहा है। इसलिए पूरे भी हमारे नगर निगम के द्वारा पूरे लखनऊ में भी आप देखें 10-90 में छिड़काव हो रहा है, माने पेड़ की धुलाई भी हो रही है कि जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उससे ज़्यादा बढ़े। तो पूरा का पूरा जितना हमारा प्रयास हमारी गवर्नमेंट का हो सकता है इस उत्तर प्रदेश में, खास करके लखनऊ आसपास बनारस या जितने भी कानपुर हैं, उसको पूरी तरीके से हम प्रदूषण के जो इक्वाई उसको कम से कम घटाएं। बता दें कि यूपी के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में आधा दर्जन से ज्यादा यूपी के शहर हैं। नोएडा और गाजियाबाद में तो हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी, अब लखनऊ कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में भी सांस लेना दूभर हो चुका है। सांस लेने में और आंखों में दोनों में जलन हो रही है, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, धूल इतनी ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। जर्जर होने के वजह धूल धक्कड़ इतना ज्यादा उड़ रहे हैं उसके वजह से वो है, और प्रदूषण की वजह से टाइप का मतलब जैसे कि जहरीला पदार्थ टाइप का, जैसे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, ज्यादा धुंध है, इतना ज्यादा स्मॉग फैला हुआ है, प्रदूषण इतनी ज्यादा फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जहां एक तरफ जनता प्रदूषण का प्रकोप झेल रही है, वहीं यूपी के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो निशाने पर आ गए। यूपी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने कहा कि प्रदूषण को कम करना है तो पहले यज्ञ कराना होगा। मंत्री ने कहा है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और बारिश करवाएंगे और समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। किसान गन्ना छीलता है तो उससे पत्ती निकल के आती है, उसका अगर फसल कोई कटता है तो, या चाहे वो अरहर की दाल है, चाहे वो उड़द की दाल है, चाहे वो मूंग की दाल है, वो सारा एक प्रकार से उसको दाल और गन्ना छीलने के बाद में कूड़ा हो जाता है, तो उसको जलाने की प्रक्रिया हमेशा होती रही है, और जब वो जलेगा तो वो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण से नहीं ज्यादा होता, वो तो प्राकृतिक और सिस्टम किसान का है, तो उसको लेकर के जो हमला हो रहा है ये बिल्कुल दुखद है, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ जितना ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है, तो जो हमारी परंपराएं थी यज्ञ करने की गांवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान दे। जहां सरकारें एक्शन लेने का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आ गया और प्रदूषण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब किया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जनता को प्रदूषण से कैसे निजात मिलेगी, कैसे सांसों का संकट दूर होगा, इस आपातकाल से कैसे राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। कैसे मिलेगी इससे निजात? ये जो गैस का चैम्बर बन गया है हमारा दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इससे कैसे निजात मिलेगी और क्या कारण है इसके, क्यों अचानक से इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई? अब से 20 साल पहले जब 2000 और 2001 में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, तो शहर शहर में प्रदूषण के बोर्ड टांग दिए गए थे और लगातार कोशिश की जा रही थी और उसकी वजह से काफी गिरावट भी आई थी, लेकिन अचानक से पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण रूपी ये जो राक्षस है वो अपना आकार लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्या कारण है इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। पंडित नीरज शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। पारस अमरोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है सर। भरत राज सिंह पर्यावरणविद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, फतेह बहादुर सिंह गिल समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी स्वागत है गिल साहब, और सौरभ वाजपेयी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है सौरभ जी आपका भी। सबसे पहले रुख करेंगे
पर्यावरणविद का भरत राष्ट्रिंग जी का। भरत जी, कारण क्या है अचानक से पिछले 2-3 साल से देखा गया कि ये पर्यावरण प्रदूषण रूपी जो राक्षस है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है? देखिए, मैं इसमें पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा जी, ये आम जनता को कि ये जो पराली जलाना और ये सब चीजें, ये कहीं न कहीं एक सामयिक या एक छोटे मुद्दे हैं जी। मुद्दा बड़ा है और उसको समझने की कोशिश ये हो क्यों रहा है? बिल्कुल, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये स्थितियां पूरे विश्व में पर्यावरण का जो विनष्ट हुआ है, पर्यावरण मारा, प्रकृति को जो छेड़छाड़ हुई है, ये इसमें मुख्य दो कारण हैं जी। दो कारणों में पहला कारण ये है कि हमारी बेसिक मूल कारण है जनसंख्या की बढ़ोतरी कई गुना रफ्तार से बढ़ी है, जबकि 2 लाख साल में 1 अरब के करीब थी और आज 7 अरब के करीब हो रही है। तो ये बातें आप देखें कि कितना इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब यही आने वाले समय में 11 अरब ये 21वीं सदी के अंत तक होगा। तो चलिए, इस पर एक तो अलग है, पूरे विश्व को इस पर चिंतन करना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो दो मुख्य कारण है जो कि वायु प्रदूषण को या पर्यावरण को विनष्ट कर रहे हैं, उसके एक तो है कि हमारा जो वाहनों का में बढ़ोतरी, जो कि आदमी के सब भाग दौड़ में है, और उसमें हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब यह हुआ कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जितने आपके डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब उसमें शामिल होते हैं। और इसका दोहन इस तरीके से लगातार हुआ क्योंकि ये 1840 से जब से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हमने ऑटो साइकिल बनाया, रैंकाइन आए डीजल से चलने में, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को, और 1910 से इस पर लगातार बढ़ोतरी होती गई। तो इस पर कहीं चिंतन नहीं है पूरे विश्व को, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये है कि औद्योगिकरण जो हुआ उसका भी आपाधापी में सारे देश जो है, भारत भी इसमें अभी तो भारत जो है डेवलपिंग कंट्री में जी, लेकिन डेवलप कंट्री जितनी है वो कंट्रीज ने इतने दौर उसमें लगाई हाँ। तो उन्होंने ये देखा नहीं कि हमारा पर्यावरण की स्थिति क्या, किधर जा रहे हैं, उसका उन्होंने चिंता नहीं रही नहीं किया, और वो अंधी दौड़ में भागते चले गए, डेवलप्ड कंट्रीज हो गई और हम उस रेस में कहीं पिछड़ गए, हालांकि प्रदूषण में आगे बढ़ गए हैं। ये देखना बड़ा दुर्भाग्य कार्य है। चलेंगे, हमारे साथ में पारस अमरोही साहब जुड़े। पारस अमरोही साहब, आपने पर्यावरणविद साहब की बात सुनी, आपका आपने लंबे समय तक कवर किया है, आपको क्या लगता है कि क्या ये कारण सिर्फ जनसंख्या की बढ़ोतरी है या औद्योगिकरण है या इससे इतर भी कुछ और कारण है? एक तो जब हम बाढ़ रोकने के लिए सरकारी स्तर पर नीतियां बनाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को अहेतुक सहायता देते हैं, सरकार उसमें दखल देती है, बाढ़ से पहले हर जिले का जिलाधिकारी बैठ के करता है, अब उसका बाद में क्या होता है वो एक अलग बात है जी। तो उसको आपदा मान के चलते हैं। तो प्राकृतिक रूप से इस तरह का जो ये फॉग है या जो इस तरह का स्मॉग है या धुआं आ रहा है, ये भी आपदा के रूप में है। और जब जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, चाहे नदियों के रूप में, पेड़ों के रूप में, चाहे आबोहवा के और कारणों, तब तब हमें उसका कष्ट झेलना पड़ा जी। सवाल यह है कि सरकारों को अब गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें हर साल आने वाली इस तरह की मुसीबत का कैसे सामना करें। और ये सिर्फ सरकार के स्तर से नहीं, लोगों की जागरूकता जगा के हम इस तरह का आपदा को सामना कर सकते हैं। दूसरा, हम वृक्षारोपण करके तो विश्व रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, सवाल ये है कि पेड़ किस तरह के लगाए जा रहे हैं जी, क्या वो हमारी आबोहवा को निभाने में सहायक हैं जी, या फिर पेड़ के नाम पे ही पेड़ लगाए जा रहे हैं जी, गिनती के लिए।
ये भी एक विषय है। बिल्कुल, इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी, सरकार सिर्फ अपने अधिकारियों पर ये छोड़ देती कि पेड़ लगाइए, 10 करोड़ पेड़, 5 करोड़ पेड़, 2 करोड़, जो भी शहर के हिसाब से है। सवाल यह कि पेड़ किस तरह के लगाए जा रहे हैं। तो आज जो ये आबो हवा खराब है, हमारा सांस लेना दूभर है। जी ठीक, तो क्या अस्पतालों के पास इस तरह की व्यवस्था है आए कि हमारे जो बीमार हैं, जिनको साफ हवा चाहिए, जिनको ज्यादा हवा चाहिए, स्कूलों के पास हमारी क्या व्यवस्था है? ठीक है, सड़क पर, सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हैं। जी ठीक है महाराज जी, हाँ आएंगे आपके पास में दोबारा। पंडित हमारे साथ में और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पंडित नीरज शर्मा जी, सरकार आपकी है कि और 2.5 साल से ज्यादा हो गया आपकी सरकार को, आखिर इस पर नियंत्रण क्यों नहीं लग पा रहा है? प्रदीप जी, सरकार ने, देखो सरकार अपना काम कर रही है जी, सरकार ने तमाम नीतियां बना दी और इस पर जोर भी सरकार के आलंबन भी अभी शुरू करने जा रही है सरकार। आप एक चीज आपने गौर किया है, जो घनी आबादी के क्षेत्र जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, वहाँ ये प्रदूषण सबसे अधिक क्यों है? उत्तर प्रदेश में और भी जिले हैं, वहाँ नहीं है। इसका एक सीधा रीजन है, ये गाड़ियों से सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो धुआं निकलता है, तुम कभी भी देख लेना, आप सबके पास गाड़ियां हैं, धुआं अगर वो लगता है तो आंखों में लगता है और सिर में भी दर्द कर देता है, वो धुआं इतना खतरनाक होता है। अब उस हिसाब को सरकार ने, मंत्री जी ने भी बोला है, हम इसको दिल्ली की तर्ज पर उसको कर रहे हैं। सरकार अपने गंभीर है इस मसले पर, ऐसी बात नहीं सरकार काम नहीं कर रही हो, सरकार काम कर रही है, गंभीर है, और इससे मुक्ति भी, निजात भी मिलेगी, आलमबिन से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और रही पराली वाली बात, पराली की तो देखो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने देखो इसको बैन भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, और लोगों पर कार्रवाइयां भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अब कोई छुपके से कोई कर जाए वो तब भी कार्रवाई हुई है, पर यूपी में ये, हमारे उत्तर प्रदेश में ये कम है, ये दिल्ली में, पंजाब में, उधर सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार अपना काम कर रही है, और केंद्र सरकार ने भी इस पर तमाम नीतियां बनाई है, इसमें ये सरकार बिल्कुल गंभीर है। ठीक है, ठीक है, प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकलता है? हमारे साथ में गिल साहब जुड़ गए। गिल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आखिर ये प्रदूषण का राक्षस बड़ा आकार क्यों लेता जा रहा है? मैं पारस जी से और सिंह साहब से, दोनों लोगों से सहमत हूं जो बातें इनने रखी हैं। देखिए, सबसे बड़ा विषय ये आता है कि आज जो पर्यावरण का, जो इस तरीके से ये 1-2.5 वर्षों में एक पूरा कॉन्सेप्ट चलाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि हमने बहुत पर्यावरण किए, बहुत हमने वृक्षारोपण किए। आप देखिए, वृक्षारोपण आप कर रहे हैं, मगर जैसा सिंह साहब ने भी कहा और पारस जी ने भी कहा कि पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, मगर उनकी देखभाल या उनकी देखरेख तो कोई होती नहीं। जिले के अधिकारियों कह दिया जाता है कि हाँ आप लगा दीजिए। देखिए, सरकार को खुद सोचना पड़ेगा, सरकार भी सांस ले रही है, सरकार को ये महसूस करे कि उनने भी इसी शहरों में रहना है और सांस लेनी है। तो सरकार हमसे बाहर नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। अभी सरकार के मैंने मंत्री का बयान सुना आप ही के टीवी चैनल पे, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, उसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी थोड़ी है। वो कह रहे हैं हवन करा दीजिए, बताइए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हवन करा दीजिए, तो हवन कराने से क्या समस्या का समाधान होगा? जब ऐसे लोग बड़े बड़े औहदों पे बैठे होंगे तो क्या पॉल्यूशन की समस्या का क्या समाधान कर पाएंगे हम लोग? ठीक, ये तो भाजपा के प्रवक्ता बताए, भाजपा के प्रवक्ता बताए ना ये कौन सा यज्ञ कह रहे हैं। पहले सबको शामिल कर लेते हैं सर। ठीक है, गिल साहब आएंगे दोबारा से आपके पास में आएंगे, आपको भी पूरा मौका दूंगा। सौरभ जी के पास चले, सौरभ जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, मेरी पहली प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि आप इसे इस देश का एक अजीब सी चीज कहिए, इस देश का दुर्भाग्य कहिए। यहाँ पर कुछ भी किया जाता है तो उस पर यह नहीं देखते हैं कि इससे हमारे देश के नागरिकों को फायदा होगा या नुकसान होगा। जो सबसे पहली चीज की जाती है वह होती है राजनीति।
दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया, किसी भी विरोधी दल ने यह नहीं देखा इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होंगे और इसे किस तरह से मॉडरेट करके हम बाकी राज्यों में लागू करेंगे। और ऑड इवन के बाद होता क्या है, दिल्ली का एक भाजपा के ही बड़े नेता जाते हैं और गाड़ी में बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उस नियम को तोड़ते हैं और चालान कटवाते हैं। पहली चीज तो यहां पर होती है सबसे पहले कि हम कोई भी काम किया जाता है उस पर राजनीतिक वेटेज लेने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है ऑड इवन लागू हुआ था, कुछ लोगों को दिक्कतें हुई होंगी, तो उसकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार जो की बात कर रही है ऑड इवन लागू करने की, उसने यह सोचना चाहिए हमें कि हम किस तरह से इसको और बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, ना कि उस पर राजनीति करने की। दूसरे मुद्दे पर आता हूं, पेड़ की बात की अभी सिंह साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार साहब ने अभी पेड़ की बात की। सभी लोग जानते हैं कुछ पेड़ हैं जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, इस तरह के पेड़ हैं जो ऑक्सीजन के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं और पर्यावरण उनसे काफी हद तक सुधरता है। अगर कल को यह सरकार एक आदेश जारी करती है कि जितना भी वृक्षारोपण होगा सारा नीम, बरगद या पीपल इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि सारा विरोधी दल उसमें धर्मवाद की राजनीति निकाल लेगा। और तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रदूषण है ये ऐसा नहीं है कि किसी राज्य सरकार, आप सबको ठीक है सौरभ जी, ठीक है जी, मैं अपनी तीसरी बात पूरी करूंगा, राजनीति में ही है और हर चीज में राजनीति होती है, ठीक बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, ठीक है, ठीक है। भरत राव सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समस्या बहुत गहरी है क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से पेड़ कटेंगे क्योंकि लोगों को रहने का स्थान चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पेड़ काटेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से 2011 की जनसंख्या का आंकड़ा देखा गया तो नीचे जाता हुआ ट्रेंड दिखाई दिया, क्या आपको नहीं लगता कि जो गंभीरता आप दिखा रहे हैं कि 2021 में हम लोग ये 11 अरब होंगे, क्या ज्यादा नहीं, अतिरेक नहीं है? जहां तक जनसंख्या की बात है जी, ये बढ़ोतरी, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें कहीं देखिए किसी जगह कम होती है, किसी जगह कोई रोक टोक नहीं है, पूरे विश्व की आंकड़े में बता रहा हूँ जी, हम नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में और पूरे विश्व में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजरमेंट किए जा रहे हैं और इंडिया में भी इसको अच्छी तरीके से किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, कई वर्ष में वो 1.2% के घटने की ये वो आंकड़े आए जी, लेकिन आप देखें उसमें ये निरंतर घट नहीं रहा, ये बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ नहीं रहे, घट रहे, घटने का ट्रेंड है ना, हाँ ट्रेंड है जी। अब लेकिन ये आप ओवरऑल पोजिशन अभी बढ़ने, क्या सिर्फ पेड़ ना लगाना और सिर्फ ये आपकी जनसंख्या बढ़ना ही प्रदूषण का सबसे बड़ी समस्या है? मैं मुद्दे पर देखिए वापी, मैंने केवल एक बेसिक चीज बताई थी जी, उस पर अब आपको इसको चिंतन करना पड़ेगा कि ये पराली जलाने से या ये दिवाली के पीरियड में क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश किया। और हम सभी जनता को चाहेंगे, देखिए यहाँ मंत्रीगण भी देख रहे हैं या उनसे भी आप ले रहे हैं सारी, तो हमें ये सही रूप में इसको प्रदर्शित करना जिससे जनता इसको समझे कि कहाँ गलती हुई है और कैसे। आज इसको आप मुद्दे को यहाँ पर आ जाइए कि जब हम इतना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, एक ओजोन लेयर 5-10 से 15 किलोमीटर दूर पर पूरे पृथ्वी के चारों तरफ वो एक छाई हुई लेयर है जो कि हमेशा पैरा बैगनी किरण, ओजोन लेयर के क्या बात कर रहे हैं, ओजोन पैरा बैगनी ओजोन लेयर जो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट आने को रोकती है, उसको ठीक बात है, उसमें भी होल हो रहा है, इससे इनकार नहीं करते, वो रिपेयर हो रही है। आप पहले इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, उसमें रिपेयर, उसमें तरक्की ये हुई, पहला कारण पहले तो जो होल हो रहे थे उसमें तो अब रिपेयर हो रहा है, ये अच्छी बात है। समस्या तात्कालिक ये है कि ये समस्या इतना गंभीर रूप क्यों ले रही है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। पारस साहब, आपको क्या लगता है कि चीजें सही दिशा में चल रही हैं, जनसंख्या की बढ़ोतरी में गिरावट दर्ज की जा रही है, अभी आपने अभी भरत जी ने बताया कि पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा रेजेज हैं वो भी रिपेयर हो रही हैं, ये क्या तात्कालिक कारण आपको दिखाई दे रहे हैं क्या इस समस्या के? जहां तक जनसंख्या की बात है जी, पराली जलाने की बात है, ज्यादा पटाखे छोड़ने की बात है, सवाल यह है कि जब तक हम उस बड़ी आबादी को भी जागरूक नहीं करेंगे, खासतौर पे आबो हवा के बारे में, पर्यावरण को लेकर, तब तक समस्या का समाधान भी
सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाएगा। नहीं, लगातार कोशिश तो हो रही है ना पारे साहब। तो दूसरा जागरण पराली की बात है जी, तो पराली सबसे ज्यादा धान तो बिहार में और छत्तीसगढ़ में, उधर तो वहां भी तो किसान जलाते होंगे। नहीं, उधर पंजाब और हरियाणा में ज्यादा। सवाल ये है इधर ज्यादा जलाते, तो सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि उस पराली का कुछ ऐसा उपयोग, लाभकारी उपयोग होना चाहिए। नहीं नहीं, किसानों के पास एक योजना आई थी, उस योजना में कहा गया था कि जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उनको एक मुफ्त रकम दी जाएगी जी। क्या लगता है कि ये एक बढ़िया कदम हो सकता है? ये एक अच्छा कदम तो हो सकता है जी, लेकिन अगर खाद के रूप में या किसी और बहुत सारी चीजें पैकिंग की हैं या उस तरह की चीजों में अगर इस पराली का इस्तेमाल किया जाए, होता भी है लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हो, उसको किसी खाद के किसी रूप में या किसी और रूप में इस्तेमाल करने का कोई योजना हो, तब ज्यादा बेहतर होगा और लाभकारी होगा किसान के लिए। ठीक है पंडित नीरज शर्मा जी, ये जो आप कदम उठा रहे हैं तात्कालिक कदम है, पेड़ों पर से धूल हटाना जिससे कि ऑक्सीजन बढ़े, आप पानी डलवा रहे हैं, कोई शक नहीं है। आपने निर्माण कार्य 29 जो फैक्ट्रीज है उसमें निर्माण कार्यों में रोक लगा दी, इस बात में भी कोई शक नहीं, आपने अच्छा काम किया। जो लोग पराली जला रहे हैं आप उनके ऊपर जुर्माना लाद रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। आपने प्राइवेट प्लाईवुड फैक्ट्री पर बैन लगा दिया, इस बात में भी कोई शक नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब समस्या स्तर पर आ जाती है तभी ये कदम क्यों उठाए जाते हैं, इससे पहले क्यों मेजरमेंट नहीं किए जाते हैं? ऐसा है प्रदीप जी, जी। सर देखो, सरकार उत्तर प्रदेश में इतना प्रदूषण नहीं था, ये आप भी देख रहे हैं प्रदूषण होता था। पंडित नीरज शर्मा जी एक मिनट में मुझे बता ले लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। आपने कहा उत्तर प्रदेश में इतना प्रदूषण नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नहीं, लीजिए सवाल आपके लिए काम आएंगे सारे ये, जब दूसरी डिबेट में जाएंगे तो वहां पर अच्छा लगेगा। दस उत्तर देश के 10 जो राज्य हैं उनमें से जो प्रदूषित है उसमें से 8 जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश में है। नहीं मैं पूरी बात आपने मेरी जी, ऐसा है उत्तर प्रदेश में आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो अब की बार जो नौबत आई है, जो सामने दिख रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं आई। पिछले साल भी यही मुसीबत नहीं, इतनी नहीं जी। तो अब सरकार ने देखा, सरकार ने अपना इंतजाम किया है जी, सरकार ने तो अपना काम सरकार कर रही है जी, परंतु देखो इस पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं जे, जे, जे प्रदूषण हो रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को ये प्रदूषण से कौन राजनीति कर रहा है? अब सपा के आपके गिल साहब कर रहे हैं। नहीं तो मैंने तो आपको सुझाव ये दिया है कि आप सरकार में ये पूरी आपको सुझाव दिया है। अरे इसमें आप अपने मैंने आपको सुझाव दिया, आप सरकार में आपने विश्वास लेनी है, पक्ष में बैठे हो आप सुझाव दीजिए। अरे आप सरकार में आप फर्ज बनता है, अरे आप सरकार में आप सांस नहीं लेंगे, अरे भाई आप सांस नहीं लेंगे, आप सरकार में बैठे हैं। एक मिनट में बोल दिया आपके तो मंत्री कह रहे हवन करा दीजिए, अरे तो हवन करा दीजिए, तो हवन कराने समस्या समाधान हो जाएगा। आप हमसे सुझाव मांग रहे हैं, आपके मंत्री जो सुझाव दे रहे हैं वो हवन कराने का दे रहे हैं, आपके मंत्री हवन कराने का सुझाव दे रहे हैं जी, और आप हम लोगों से सुझाव की बात कह रहे हैं। अरे आपको सुझाव मांगना, आप लिखित में भेजिए, आप लिखित में कमेटी बनाइए, और आप हमारे विपक्ष दल के उसमें कमेटी के सदस्य बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए, आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए कमेटी बनाए, कमेटी में हमारे विरोधी दल नेता को रखा जाए, उसमें सुझाव रखा जाए। आप ये सुझाव दीजिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि सपा राजनीति कर रही है? सपा राजनीति थोड़े कर रही, सपा तो आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को, आपको आईना दिखा दिया, आपको बुरा लग गया। अरे आपके मंत्री कह रहे हवन करा दीजिए, तो हवन से काम चलेगा? आएंगे दोबारा, हवन से काम चलेगा? आप बताइए, आपके मंत्री कह रहे हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे। गिल साहब आपको रुकना पड़ेगा और ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हवन करने से, यज्ञ करने से ये प्रदूषण रुक जाएगा या बढ़ेगा, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जर्जर होने का धूल धक्कड़ इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, उसके वजह से जहरीला पदार्थ टाइप का, जैसे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बनाना है अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त, तो जुड़िए 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नगर निगम देहरादून के मानव श्रृंखला अभियान से, जिसमें 1,00,000 लोगों के साथ 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें आप भी पार्ट लें और देहरादून को पॉलिथीन मुक्त करने का संकल्प करें। नगर निगम देहरादून द्वारा जनहित में जारी। Mount Literacy School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literacy School, Unnao. Upar wale ne insaan ko banaya, hum rishte banayenge ek dusre se. Goldi Masale, jahan bhi jaye, rishte banaye. Goldi Masale, khudi ko aazmaya. देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जर्जर होने का धूल धक्कड़ इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, उसके वजह से जहरीला पदार्थ टाइप का, जैसे कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही, जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब सीधा गिल साहब का रुख करेंगे। गिल साहब, आपने बताया कि सरकार कुछ करने रही है, जो कर रही है वो गंभीर रूप से नहीं कर रही है। सवाल ये उठता है कि इससे पहले आपकी 5 साल की सरकार थी, आपने प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है प्रदीप जी, कि जब आप किसी पद पे होते हैं तो पद की गरिमा को रखते हुए, गंभीरता को रखते हुए बयान दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारों के अंदर कदम नहीं उठते हैं। मेरा बयान पहले आप पूरा ले लीजिए, मेरा पूरा ले लीजिए, देखिए पहले सुन लीजिए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात में समझ गया जी, अब मैं उस पर चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा, आपकी बात का पूरा जवाब भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले जरा यह भी बता दीजिए, 5 साल पूरे बहुमत की सरकार थी आपकी, आपने प्रदूषण रोकने के लिए कौन से कदम उठाए? सारे आंकड़े आज मौजूदा मेरे पास है, पीछे के आंकड़े आप पॉल्यूशन के उठा के देख लीजिए प्रदीप जी, कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ 8 शहरों का, चाहे हापुड़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, कभी नोएडा का, कभी इतने बुरे हालात नहीं हो रहे और हालात बदतर होते जा रहे। आज 2.5 वर्ष हो गया है, 6 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, बच पाए हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, आपने 5 करोड़ पेड़ लगाने का दावा और वादा दोनों किया था, क्या वो पेड़ बच पाए हैं? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये बताए ना, सर्वे करके अपना कि वो 5 करोड़ पेड़ जो हैं उसमें अब कितने हैं, ये ऑडिट करें, ये पता करें। अब जिम्मेदारी सरकार में ये बैठे हैं 2.5 वर्षों से, ये बताए ना, जिम्मेदार तो ये बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 करोड़ पेड़ लगाए, इसमें कोई तो रहा है नहीं, मगर आज वो पेड़ों की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? मुख्यमंत्री मौजूदा करेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री करेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वर्तमान के मुख्यमंत्री करेंगे, इसमें कोई वर्तमान के मुख्यमंत्री तो करेंगे। इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं वो बयान इतना निंदनीय बयान है कि आपकी इनको 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 एक बार सुना दीजिए, मैं तो कहता हूँ बयान सुनाइए। आ रहा हूं उसी बयान पर आ रहा हूं। क्या यज्ञ करने से पॉल्यूशन खत्म होगा, आपकी क्या राय? देखो, मैं आपको बताऊ, इन्होंने पेड़ वाली जो बात अभी कही, उन्होंने हमसे पूछा, नहीं आपने कहा कि यज्ञ करना कोई बुरी बात नहीं, उससे पॉल्यूशन खत्म होगा, नहीं क्या पॉल्यूशन खत्म होगा उससे? देखो, मैं आपको एक बार बता, धार्मिक बात है जी, मंत्री जी ने नहीं, धर्म का क्या मतलब है, आप कोई भी बयान दे देंगे? नहीं प्रदीप जी, आप सुनिए, उन भावना समझिए, इसमें राजनीति नहीं हो रही है, ये प्रदूषण का मामला चल रहा है, हिंदू मुसलमान का और उनका कोई चीज का मामला नहीं चल रहा है, धर्म का मामला यह है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा है, क्या ये कहा है भाई, इस पर इंतजाम सरकार कर रही है, ऐसा होना चाहिए, पहले भी होता था, और अगर हवन किया जाए
तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे, बरसात होगी। आपको अभी जवाब देना है भरत जी, बरसात होगी। भरत जी क्या ये कहा? ठीक है ठीक, भरत जी मामला है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हवन कराने से इंद्र देवता खुश हो जाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे और प्रदूषण कम हो जाएगा? देखिए मैं आपको सीधी बात बता दूं, ये अगर प्रदूषण को इस समय तत्कालिक रूप में कम करना है तो हमें कहीं न कहीं कृत्रिम बारिश करनी करानी पड़ेगी जी। अरे यज्ञ कराने से क्या इंद्र देवता खुश होकर बारिश करेंगे? कोई वो नहीं है। हाँ एक बात से मैं आपको पूरी जनता को या सभी देखने वालों को मैं वाकिफ करा दूं कि हमारे वैदिक पीरियड से हमारे वैदिक ग्रंथों में भी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए तमाम सूक्तियां तमाम वेद और पुराणों में है। और उसका एक छोटा सा मैं आपको अभी ये बता दूं, दस कूपो समोवापी, दस वापी समो हृदय, दस हृदय समा पुत्रो, दस पुत्रो समो ध्रुया। दस कूप दस कुएं खोदने का पुण्य जो होता है, एक वापी मीन्स एक जोकर जो बड़ा सा छोटा सा, सुन ले आपकी बात ठीक है, नहीं बात नहीं, नहीं, इसको करने दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात, जनता भी समझ रही है। जनता नहीं समझ रही है कि दस तालाब बनाने चाहिए, तालाब कुएं बनाने चाहिए, एक पुत्र के बराबर होता है। ठीक बात है आपकी, जी आप बिल्कुल वृक्ष सवाल पूछ रहा हूँ भरत जी, क्या यज्ञ करने से? यज्ञ करने से कतई नहीं कुछ होने वाला है, केवल ये वृक्ष अगर लगाए जाएंगे और वो ये वृक्ष जो है ये ऐसे पुण्य का कार्य हमारे धर्मों में ताकि लोग जुड़े उससे। बिल्कुल जुड़ने की बात कही गई, ना कि उसमें कोई खराबी की बात की, लोगों को आपस में जोड़कर क्यों जीवन दायिनी है ये वृक्ष। पारस जी के पास, पारस जी आपको क्या लगता है कि यज्ञ करने से इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और धराधर बरसात हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण धुल जाएगा, पर्यावरण साफ सुथरा हो जाएगा? यज्ञ करने से अगर इंद्र देवता प्रसन्न होते जी, तो पिछले दिनों जो अतिवृष्टि वाली बात थी, लगातार बारिश हुई जी, लोग त्राहिमाम कर गए, बाढ़ आई, सब कुछ हुआ, हजारों का नुकसान लोगों का हो गया, कई लोग मर गए, तो क्या इंद्र का यज्ञ तब नहीं होना चाहिए था जी, कि भैया किसी तरह से रोको इसे, बारिश मत करो? बिल्कुल। फिर एक सवाल यह है कि जो पेड़ लगाने की बात हो रही है, पेड़ लगेंगे कहाँ जी? आपकी जमीन पर तो कंक्रीट के पेड़ खड़े हो रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, खेत खत्म हो रहे हैं जी, तो पेड़ लगेंगे कहाँ? समस्या वहां पर जो पेड़ लगेंगे वो जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल ठीक बात है। सौरभ जी के पास चलते, सौरभ जी जमीन हमारे पास है नहीं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सारी सरकारें पेड़ लगाने का दावा करती हैं, चाहे वो बसपा की सरकार हो, 2 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया, सपा सरकार ने 5 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया, वर्तमान सरकार भी करोड़ों पेड़ लगाने का दावा कर रही है, और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जमीन यानी पेड़ कहाँ लगाएंगे और पेड़ जाते कहाँ हैं? देखिए पेड़ कहाँ जाते हैं ये वन विभाग और जो पेड़ जो लकड़ी के कारोबारी हैं किस तरह से मिली भगत से पेड़ काटे जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत आसानी से पब्लिक डोमेन में मिलती हैं, आए दिन खबरें आती हैं। और यह बात भी बेहद सही है कि पेड़ लगाने की जगह नहीं है, इसके लिए एक मॉडर्न नई तकनीक निकली गई है, लोग घरों पर छोटे छोटे गमलों में कई सारी कुछ लोगों ने पूरी छत पर अपनी गार्डनिंग कर रखी है, तो यह एक ठीक है, कंक्रीट के जंगल है, हम इस तरह से अपनी छतों पर छोटे छोटे पौधे लगाकर कुछ हद तक अपना योगदान कर सकते हैं। इतने भर से काम चल जाएगा क्या जी? जब बहुत ये एक छोटी सी मुहिम बहुत मास बढ़ते काम चल जाएगा, अगर ये छोटी सी मुहिम बहुत बड़ा मास करेगा तो बिल्कुल इस पे फर्क दिखाई देगा। नहीं ठीक बात है, आपको नहीं लगता कि गाड़ियों की तादाद जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, NCR हो या कोई भी प्रदेश हो, जब लोग पार्किंग सड़क पर करेंगे जाम लगेगा तो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा? ये देखिए पार्किंग का समस्या भी बिल्कुल सही है, लोग और ऐसा नहीं है कि पार्किंग अवेलेबल नहीं है, पार्किंग कई जगह अवेलेबल होती हैं, लेकिन लोग कुछ रुपए बचाने के चक्कर में यह होता है कि मुझे 10 मिनट का ही काम है, चलो फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करके अपना काम निपटा लेते हैं। मैं एक अभी जो मुद्दा चल रहा था यज्ञ का, मैं सोचिए सौरभ जी, हाँ जी, पूरी रात गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं। देखिए यह तो अभी RTO ने एक कुछ समय पहले एक नियम लागू करने वाला था कि जिसके घर पे पार्किंग का जगह नहीं अवेलेबल होगी उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, तो चीजें आती हैं लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति की वजह से नहीं हो पाती हैं चीजें। सौरभ जी क्या आपको लगता है कि उस पर कुछ हुआ है?
कुछ भी नहीं हुआ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से कई अच्छी चीजें आती हैं जो फाइलों में दबके रह जाती हैं। प्रदीप, मैं एक चीज अपनी पूरी करना चाहूंगा, यज्ञ का भी मुद्दा चल रहा था, सभी लोगों ने बहुत इसको सफाई से डिनाई कर दिया और जो भाजपा के नेता बैठे हुए उन्होंने इसको धार्मिक मुद्दे से जोड़कर अपनी बात को साबित कर दिया। एक रिसर्च हुआ था 2018 में, संस्था थी इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ यज्ञ रिसर्च, इसने एक रिजल्ट निकाला था कि जब हम वैदिक मंत्रों के साथ और जो भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं उससे जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो पीएम 2.5 लेवल होता है वो कुछ हद तक कम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे आज आप यज्ञ कराएंगे और कल प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सौरभ जी, हाँ जी, सौरभ जी एक बात समझ लीजिए आप, एक मिनट समझ लीजिए, वैदिक जिस वैदिक पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस वैदिक पीरियड में लोगों की तादाद बहुत मिनिमम थी और पेड़ हमारी जो धरती है ना वो हरी भरी थी जी। ये रिसर्च आज हमारी धरती को कितने चूना लगा है आपको अच्छी तरह पता है। मैं ये रिसर्च आप यज्ञ से कोई काम चलेगा? मैं ये रिसर्च 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक साल पहले सन 2018 का रिसर्च है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। काम मैंने भी बोला ऐसा नहीं होगा कि आज यज्ञ कराएंगे और कल का चालू हो जाएगा, कल का पूरा प्रदूषण खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से किसी भी चीज को राजनीतिक रंग देकर उसको सीधे सीधे डिनाई कर दिया जाता है उस पर उस वो नहीं होना चाहिए। और मैं पराली आपको नहीं लगता, सुन लीजिए, सवाल सुनिए, चाइना आज अपने कृत्रिम बरसात करवा रहा है और हम अभी भी यज्ञ में पड़े हुए हैं जी। चाइना कृत्रिम बरसात करा रहा है। चाइना ने मुझे सन मुझे नहीं रिकॉल हो रहा है, इसी तरह का एक बहुत बीजिंग में इमरजेंसी लागू की गई थी और सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि किसी भी स्तर का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा और वो शायद करीब 6 महीने या 8 महीने तक निर्माण कार्य बंद रहा था। आज अगर किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी कोई भी पार्टी अगर इस तरह का कोई भी आदेश जारी करती है तो पहली बात तो वह लागू नहीं हो पाएगा सही तरीके से, और अगर लागू होता है तो विरोधी दल इसका इतना ज्यादा विरोध करेंगे कि ये सरकार के विपक्ष में जाएगा। और प्रदीप जी, मैं पराली पर ठीक है, सौरभ जी आपके बाद दोबारा आएंगे, पंडित धीरज शर्मा जी ठीक है, पंडित धीरज शर्मा जी, ऑड इवन का फार्मूला दिल्ली में लागू कर रहा है, वहां पर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं कि 5 साल से सरकार ने किया क्या और अब ऑड इवन लगा रहे हैं, आप भी वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में अपना रहे हैं, दिल्ली में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में फार्मूला अपना रहे। देखो प्रदीप जी, दिल्ली की स्थिति से आप जो यूपी में क्या इसका प्रदूषण को आप देख लीजिए, दिल्ली के प्रदूषण को देख लीजिए, यूपी में कब आया, दिल्ली में कब से चल रहा है जी? दिल्ली में कब से चल रहा है वो भी आप देख लीजिए, करीब कई सालों से वहां से दिल्ली में चल रहा है। नहीं, जब आपको लगता है, जब आपको लग रहा है कि ऑड इवन एक अच्छा फार्मूला है तो आप दिल्ली में उसको क्यों गलत ठहरा रहे? देखो उसमें, देखो वहां ये विपक्ष में बैठे हैं, वहां विपक्ष में बैठे हैं, आप ये देखना या किसी को परेशानी नहीं होगी। वहाँ क्या है, वहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम दूसरा है, यूपी का सिस्टम दूसरा है। अच्छा, कैसे अंतर है उसमें? अंतर है हमसे, देखो वहाँ आलम में, देखो वहाँ जो वहाँ का जो गाड़ियां हैं और देखो दिल्ली में अगर 5 सदस्य हैं घर में तो उनके पास 5 गाड़ी है। भाई फार्मूला की बात करिए। नहीं नहीं, बता फार्मूला गलत, वो यूपी में सही कैसे? उसी पे ले जा रहा हूँ, उसी पे ले जा रहा हूँ। दिल्ली से और तुलना में यूपी की तुलना आप नहीं कर सकते जी, कतई नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते। कैसे, बता दीजिए जरा। देखो मेरा ज्ञान काम है, थोड़ा ज्ञान, ज्ञान आपका बहुत बड़ा ज्ञान है, आपसे बड़ा ज्ञान ही कौन है? नहीं नहीं, प्रदीप जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है। ना, परंतु मैं आपको बता दूं, मुकाबले में नहीं, अगर हम विरोध करते तो हम यूपी में लागू नहीं करते। देखो हमने जो हमारे हर चीज का कोई सिस्टम होता है जी, यूपी में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यूपी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उन्होंने वो सिस्टम बनाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आज क्या बना रहे हैं, अब देखो ये प्रदूषण का मामला आया, तत्काल सारे काम हो रहे हैं। हाँ। ये सब कभी आपने देखा था? ऐसा कभी हुआ है? कभी हुआ है? गिल साहब, दिल्ली में विरोध, उत्तर प्रदेश में अपनाएंगे कानून, कितना उचित है ये? ये तो आपके दर्शक बैठे देख रहे हैं, ये चैनल ये डिबेट देख रहे हैं कि दिल्ली में ये विपक्ष में बैठे, उत्तर प्रदेश में सत्ता पे है, गुलगुले रसगुल्ले खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, सीधी सी बात है। वहां पे मनोज तिवारी इनके रोड पे उतर के केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, ये उसका जवाब नहीं देंगे, ये उसका जवाब नहीं देंगे, और सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश में तो ऑड इवन की बात करेंगे, ये इनकी करनी कतनी है। ये देखिए ना, ये सब सामने आ रही है, हम लोगों को तो बोलने की विपक्ष को जरूरत ही नहीं है,
हम तो कह रहे हैं भाई कुछ काम करो, देखिए काम करो, ये पॉल्यूशन का मामला है, बच्चों के जीवन का मामला, बुजुर्गों के जीवन, सबके जीवन जुड़े हुए हैं, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग, तो बहुत ही उनके लिए तो बहुत ही ये घातक चीज है। नीरज जी बहुत घातक चीज है, ये कर रही है क्या जब अभी प्रदीप जी, अरे आप हवन हवन करिए ना, अरे आपने कह दिया हवन, क्या काम आप हवन करिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार का बयान आ तो गया, उत्तर प्रदेश की सरकार का बयान आ गया कि हवन से हम बारिश करा देंगे, सब मामला ठीक हो जाएगा, आपका बयान आ गया आपकी सरकार का, ठीक है आपके मंत्री ने दे दिया। नहीं हमें आप बताइए, आपके मंत्री सुनील बराला जी ने दिया, रामकृष्ण की धरती है, आप विरोध इस बात पर क्यों कर रहे हैं, अरे आप ऑड इवेंट कर रहे हैं, मैं ऑड इवेंट से सहमत हूँ, मगर दिल्ली में मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं, फिर ऑड इवेंट के खिलाफ मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, दिल्ली में आप विपक्ष में हैं, होली मत मनाओ, नहीं तो अरे तो दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली में आप विपक्ष में हैं, वहाँ पे आप बोल रहे हो उधर के केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, और आप सत्ता में बैठ के यहाँ ऑडिशन की बात कर रहे हैं, और आप हवन की बात कर रहे हैं, तो हवन से काम की समस्या समाधान नहीं होगा माननीय प्रवक्ता साहब, काम करने से काम होगा, वाजपेयी अभी आपने काम करने से काम होगा, सरकार में काम करिए, ये, से भी सही ये, है वो। आपने भी सांस लेनी है, सांस आपने भी लेनी है, सरकार में आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं ऑक्सीजन कहीं और से आएगा, आपने भी ऑक्सीजन लेना है, सांस लेनी है, आप अलग से सांस लेते हैं, आप भी आज समस्या का समाधान करें, सरकार में बैठे उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनता ने आपको चुना है, 325 विधायक चुनकर दिए हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आपकी केंद्र की सरकार है, आपकी मशीनरी है, ठीक है, आप नहीं काम करेंगे कौन करेगा, आपके चार से कौन काम करेगा ये बताइए ना, तो आपके आएंगे, अरे भाई आप हवन की तो बात आपने कर दी और इवेंट की बात कर दी, दिल्ली में आप विरोध कर रहे हैं इवेंट का, देखो पूरे देश की जनता, पूरे देश की जनता सुन रही है, हवन भी होगा, भगवान को भी मानेंगे, अपने धर्म को भी मानेंगे, शास्त्र को भी मानेंगे, मानेंगे। नीरज जी, नीरज जी आप लोग हर जगह हर चीज पर धर्म क्यों ले आते हैं, आप यह क्यों नहीं कहते यज्ञ को आप साइंटिफिक तरीके से करेंगे, आप हर जगह पर धर्म को ले आते हैं, अभी गिल साहब कुछ बोल रहे थे हमने क्या क्या हम दिवाली के पटाखे ना छुटाएं, इस पूरी डिबेट में अभी तक दिवाली की चर्चा नहीं हुई नीरज जी, तो ये ला रहे हम थोड़ी ला रहे हैं, नहीं नहीं आप कर रहे हैं कि आप हमारे धार्मिक तरीके से करेंगे, भाई जो चीज आप साइंटिफिक है, जो चीज साइंटिफिक है उसको आप क्यों नहीं साइंटिफिक रूप से कह रहे हैं, आप क्यों हर चीज को धर्म पर लाकर मोड़ देते हैं, और आप इतना साफ गोई से दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, आप साबित करिए, आप कानपुर में कौन सा रोड पे उतरे हुए हैं, आप उत्तर आपके प्रदेश अध्यक्ष रोड पे उतरे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश में कौन सा फार्मूला लाएंगे ऑड इवेंट का जो दिल्ली से अलग होगा, यह आप क्लियर करिए, और दूसरी चीज है कि क्या आपका कोई भी मंत्री एक मिसाल पेश करेगा कि वह अपनी कार छोड़कर अपनी सिक्योरिटी के साथ या तो साइकिल से या पैदल आएगा विधानसभा पर, कल को दिल्ली में चुनाव है, आप दिल्ली के कदम का विरोध कर रहे हैं और वही कदम आप यूपी में कॉपी कर रहे हैं, छोड़ करके पैदल आएंगे, सौरभ जी सवाल उठा रहे जी, देखो मेरी बात सुनो, मंत्री का और मंत्री कोई भी है, सरकार आपकी भी रही है, नहीं सरकार आपकी भी रही है, आप एक काम करा लीजिए, अखिलेश यादव जी गाड़ियों में 25 गाड़ियों में चलते हैं, उनको चलवा दिया, हमारे मंत्री सौरभ जी पूछ रहे हैं भाई, राजनीति विश्लेषक नीरज जी मंत्री है, सौरभ जी उनके आपसे मुख्यमंत्री भी मौजूदा है, हम कुछ नहीं कह सकते, आपके मुख्यमंत्री 50 गाड़ी से चल सकते हैं, मुख्यमंत्री भी 25 गाड़ी से चल सकता है, ये आप गलत बात कह रहे हैं, नीरज जी अगर पहले के मुख्यमंत्री ने सम्मान करना सीखे सरकार ने, और अखिलेश यादव जी के बराबर 5 साल नहीं 10 साल भी आप ले लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ, आपने बहुत काम किया, ये आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री 20 गाड़ी से चले, अरे गिरता रुकिए, कौन सा गुनाह कर दिया भाई, जो अच्छा नहीं है, 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया पर्यावरण के लिए उसको याद करिए, पेड़ों का कहीं पता नहीं है भरतराज जी, तो ये सरकार में है पेड़ों का पता करे, लगाने से प्रदूषण पर तत्कालिक नियंत्रण मिलेगा, देखिए मैं बहुत ही क्लियर बता दूं जी कि ये जब जिस जंक्चर पर जाड़ा सेट होता है ये ऊपर से ओस पड़ती है, ओस के कारण जो भी 5 किलोमीटर ऊपर हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो नीचे दबती है जी, नीचे दबने से ये फॉगी जो स्मोक आ रहा है इसका दो ही विकल्प है, या तो गाड़ियां जो चल रही हैं उनमें कमी की जाए जी,
क्योंकि उसमें एडिशन डेली हो रहा है, हर साल गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, हर साल ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये हर साल इसकी स्थिति और भयानक होने वाली है और पिछले साल से इस साल ज्यादा हो रहा है। तो इसको आड इवेंट तत्कालिक प्रभाव से जो चल रहा है इसके फायदे हैं अगर गाड़ियों की संख्या चल की जाए, ये अच्छी बात है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको अपनाती है तो इसका मतलब ये एक अच्छा कदम होगा। हाँ, भूल और जिससे चीजें जो रोकी जानी है वो बिना पानी के छिड़काव पे नहीं होगा, पेड़ों पर डाले का तो हो रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी जगह जितने पेड़ हैं लोगों को अलाउ कर दिए, अपने बिल्डिंग के आसपास जितने हैं, देखिए वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, अगर धूल रहेगी हाँ, तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें तत्कालिक प्रभाव से वो हो रहा है, वो तो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको पूरे अग्निशमन दल को लगा दिया गया पेड़ों की सफाई करने के लिए, वो काम तो हो रहा है। पारस, आपको क्या लगता है कि ये जो ऑड इवन फार्मूला लागू किया जा रहा है इससे तात्कालिक राहत तो मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट राहत लेने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? निश्चित रूप से इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को अपने ऊपर भी अंकुश लगाना होगा, अपने मशीनरी पर भी और अपने मंत्रिमंडल पर भी। यानी 50 गाड़ियों में भले ही प्रोटोकॉल कुछ भी कहता है, आप एक बस में क्यों नहीं आते? एक ही डेस्टिनेशन पे आना है, एक ही लक्ष्य पे आना है, तो आप आइए एक बस में बैठकर और जाइए भी एक बस में बैठकर, बिल्कुल अलग अलग गाड़ियों को रोकिए। दूसरा, सरकारी अमला जो है वो गाड़ी या तो शेयर करें, सारे मान लीजिए आईएएस हैं तो एक ही गाड़ी में क्यों चलेगा? आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्या सरकारें, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या सरकारें फेल हुई है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने में? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आगे बढ़ता तो लोग इतनी सड़कों पर इतनी ज्यादा गाड़ियां ना होती। निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सस्ता होना चाहिए जी, ये महंगा होने की वजह से भी लोग अपनी गाड़ियां चलाते हैं। ज्यादा बाइक क्यों बिकती है सड़क पर चलती दिखाई देती है जी, ज्यादा हर त्योहार पर क्यों बिकती है, इस पर कभी सोचा किसी ने जी? पेट्रोल ज्यादा फूक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मिलावटी है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन गाड़ियों की संख्या में कमी लाने के लिए जरूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, सस्ता करें और सुविधाजनक हो। ठीक है पंडित नीरज शर्मा जी, क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए आपसे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये जो एसी चलाया जाता है इसमें CO2 बहुत भयानक तौर पर बाहर निकलता है, पूरे पर्यावरण को गर्म कर देता है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। भरत जी ने बताया कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी खराब हो रही थी, हालांकि थोड़े अब रिपेयर हो रही है। नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि अगर हम लोग जल्दी इसमें सुधार नहीं किया तो हमारी पृथ्वी पूरी गर्म हो जाएगी और टेम्परेचर पहले ही वैज्ञानिक बता चुके हैं कि 4 टेम्परेचर तक बढ़ जाएगा। प्रदीप जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। एसीओ से देखो प्रकृति भी बदल रही है जी। आपने देखा होगा, अब गंगोत्री चले जाइए, पहले कितने ग्लेशियर होते थे, कितनी बर्फें पड़ती थी, कितनी बरसातें होती थी, आज वो नहीं है। ये मेन इसका कारण है जनसंख्या, इसका मेन कारण जनसंख्या है, बाकी कुछ नहीं है। जब जनसंख्या के पर हमारी लगाम लग जाएगी, अभी भाई हम 130 करोड़ लोग है, कहां दूसरे देशों में मात्र 50 लाख लोग है, 50 लाख लोग है, 50 लाख लोग विकसित देश है, हमारे 130 करोड़ जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। पंडित जी समय हो गया, एक एक के 10-10 लड़के बताइए आपका फाइनल कमेंट, कैसे रुकेगा ये राक्षस रूपी ना ये प्रदूषण? देखिए मैं इसमें अपना फाइनल कमेंट ये बोलूंगा कि ये इस समस्या को हमें आम लोगों को अपनी समस्या के रूप में कंसीडर करना चाहिए। आज गाड़ियां इतनी बढ़ रही हैं, फारस जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, गाड़ी दरअसल आज का हमारा स्टेटस सिंबल है। आज किसी के घर में कार है तो वह सिंगल अकेले जाना होता है, लेकिन वह कार से जाता है। क्यों ना इस पे हम इसको अपनी समस्या समझते हैं, हम अगर कार से जाना ही चाहते हैं तो क्यों ना कार पूल करें। अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं या कई हमारे कई सारे सरकारों को ऐसा करके दिखाना चाहिए, हर सरकार आदमी से उम्मीद करना जी, आम आदमी सब कुछ कर ले, सरकारों को भी अपने काफिले पर रोक लगानी चाहिए जी, बेशक लगानी चाहिए, लेकिन हम इस इंतजार में नहीं बैठ सकते कि कब हमारा सीएम या मंत्री इस तरह से आए। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ कुछ इम्प्लॉइज हैं तो क्यों ना हम खुद एक एग्जांपल सेट करें, हफ्ते में एक दिन हम साइकिल। फाइनल कमेंट भरत राज सिंह जी का, भरत राज जी आपके हिसाब से
अभी क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इस राक्षस को मारा जा सके? देखिए, दो तीन चीजें तत्कालिक रूप से इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए। देखिए, पराली एक समस्या है और विदेशों में मैंने देखा है, अमेरिका जैसे देखो, वो मशीन से कलेक्ट करते हैं और रोल बनाते हैं। यहाँ भी है, बड़ी कास्टली है, वो 37 लाख की मशीन आती है। तो गवर्नमेंट इसमें सहयोग खुद करे और उसको कलेक्ट करके, ये पराली आपके बहुत काम की है जी, इससे आपका पेपर बन सकता है, ये जो अखबार न्यूज़पेपर चलते हैं ये बन सकता है, इससे तमाम छोटी छोटी चीजें जैसे थाली बन सकती है, ग्लास बन सकते हैं, मूर्तियां बन सकती हैं, तमाम पैकिंग मटेरियल बन सकता है। इसको कलेक्ट करके और प्रोत्साहित करें किसानों को, खुद ना करें गवर्नमेंट इसमें ले, इससे तमाम समस्याएं जो इस टाइप की है बंद हो जाएगी। ये एक तो ये पहला कदम है। दूसरा ये है, अस्थायी रूप से पेड़ लगाने के लिए सड़कें जो इतनी बन रही है, बहुत अच्छा कदम है कि रोड बन रही है और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उसके किनारे तीन लेयर के पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे लिए वो चल करके 25 साल बना सर, लेकिन पेड़ लगाता नहीं, तालाब अच्छा करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। दिक्कत यह है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर के मामला यह है कि समस्या का जड़ सबको पता है, समस्या की जड़ सबको पता है, उसका समाधान भी पता है, लेकिन इसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आम आदमी के लिए कहा जाता है कि वो गाड़ियां कम खरीदे और क्लब करके चले, पेड़ लगाए, हर आदमी पेड़ लगाए। सरकारों का कर्तव्य है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे। पराली जलाने के लिए जो योजना बनाई गई थी कि पराली जो किसान नहीं जलाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसको एक धनराशि दी जाएगी, उस योजना का क्या हुआ? CO2 रोकने के लिए AC का कम उपयोग होगा, उसको रोकने की तमाम बात की गई थी, वो दावे और वादे कहाँ गए? लगातार हर सरकारें, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 7 करोड़, कोई 12 करोड़ पेड़ लगाने का दावा करती है, लेकिन वो दावे और वादे कहाँ हैं? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम सांस लेने के लिए भी दूभर है यहाँ पर। पूरा ये जो इलाका है वो एक चैम्बर में तब्दील हो गया है, लोगों की सांसें हलकान हो गई हैं, सरकारें की सांस भी हलकान है, वो भी परेशान है कि आखिर इस समस्या से निकला कैसे जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए, देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल नाउ नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल नाउ। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाएं।